हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सिंह। कुछ लोग मेरे को मौसम के नाम से भी जानते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आजकल नोट करना भूल गए हैं कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, बट कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो हम फॉलो ही नहीं कर रहे। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन हम लोग बाहर निकले जा रहे हैं, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हमारे को फोकस करना चाहिए। जैसे हमारे घर में चूहे हैं, वो तो किसी और के घर से भी होके आ रहे हैं, वो पार्क में भी जाते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। और हम सब्जी लेने जाते हैं या फिर दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वो तो सबके हाथ लग रहे हैं वहाँ पर, उनसे कैसे बचा जाए। तो उन्हीं चीज सब चीज़ों का बचने के लिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो प्रिकॉशंस आपको आगे फॉलो करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ जो चूहे हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, ये हर जगह आते हैं, हमें इनके लिए कुछ इंतज़ाम भारी करके रख देना चाहिए क्योंकि ये लोग भूखे मर जाएंगे। दूसरी चीज़, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बाहर कुछ सामान हर रोज़ बाहर निकाल के रख दें और जिससे ये डेली खा लें। बर्ड्स के लिए पानी रख सकते हैं, ये बाहर के बाहर खाएं और बाहर के बाहर चले जाएं। चूहे से बचने के लिए हमारे यहाँ आसपास नीम की पत्तियाँ मिली ही जाती हैं। नीम की पत्तियाँ हम बेसिकली हर एक कोने में अगर डाल दें रोज़ पाँच पाँच, तो उससे क्या होगा, एक हफ्ते तक वो नीम की पत्तियाँ चल जाती हैं और चूहे वगैरह उससे दूर रहते हैं। आप कोई मान लीजिए हीट छिड़कते हैं या कोई और केमिकल छिड़कते हैं तो उससे आपको खुद को भी दिक्कत होती है, बट नीम आपको कभी भी खुद नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरा, आपको मच्छर और मक्खियों से ही बचना है तो घर में धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं दिन में 2 बार। अगर आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो आपके घर में मक्खी और मच्छर बहुत कम से कम होते हैं, तो इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तीसरी चीज़, शॉपकीपर और वेजिटेबल शॉप पे आप कभी भी जाते हैं तो सबसे पहले अपना बैग लेके जाइए। अपना बैग अगर आप लेके जाते हैं तो शॉपकीपर से बोलिए कि जो जो सामान हमारे को चाहिए उसमें थैले में डाल दे, और जो भी पैसा पे करना है या तो आप UPI से पे करिए, IMPS कीजिए, NEFT कीजिए, RTGS कीजिए, पेटीएम कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आप किसी न किसी डिजिटल चैनल के थ्रू पेमेंट कीजिए। डायरेक्ट पेमेंट मत कीजिए, कैश मत दीजिए उसको कभी भी। इससे क्या होगा, आपको बैंक जाने का खर्चा बचेगा, आपके पास हार्ड कैश बचा रहेगा, और तीसरा, आपका सारा पैसा यूटिलाइज होता रहेगा और आपको उससे हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि हर बंदा आपने देखा होगा दुकान पर जाता है, पहले सामान उठाता है, 6 बार देखता है, 6 बार देखने के बाद उसको वापसी रख देता है, उसके बाद भी वो लेता है नहीं लेता आपको नहीं पता। इसी तरह हम भी जाते हैं, हम एक सब्जी को देखते हैं, जैसे आलू है, आलू को हम देखते हैं कहीं से ख़राब तो नहीं है, कहीं से अच्छा तो नहीं है, बेकार है, पता नहीं क्या, 36 आलुओं को हम छूते हैं उसके बाद जाके 6 लेते हैं। सेम हम प्याज के साथ करते हैं, हर एक सब्जी के साथ करते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली उसी से डलवाना है और उसको चुपचाप ला के घर पर रख लेना है। उसके बाद जैसे ही हम उस थैले को खोलेंगे सबसे पहले उसको पूरे को सैनिटाइज करना है, ठीक है। अगर सब्जी है तो उसको 2 बार उबालना है, मुझे पता है 2 बार उबालने के बाद उसके मिनरल सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उससे हमारी सेफ्टी बनी रहेगी। थोड़ा कम टेम्परेचर पे गर्म कर लीजिए, बट उसकी जितना भी उसके अंदर कोरोना वायरस है, अगर वो 50 डिग्री से ऊपर जाती है तो वो वैसे ही मर जाएगा 2 बार उबलने के, ठीक है। तीसरा, हमारी इनकम आज के टाइम में बिल्कुल ख़त्म है, हम अपनी इनकम के लिए क्या करें, इनकम के लिए क्या करना होगा हमारे पास, देखिए अभी शेयर मार्केट बिल्कुल ओपन है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उतना कीजिएगा जितने आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, ऐसा नहीं कि आपके सारे ही पैसे डूब जाएं। और इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे ज़्यादा बेस्ट है टेलीकॉम सेक्टर। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने के अंदर आपने सबसे ज़्यादा आपके जो रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, उन्होंने आपके अपने घर में वाईफाई लगवाया हुआ, वो भी अनलिमिटेड प्लान वाला। क्यों? क्योंकि उनको पता है लॉकडाउन के टाइम पे अगर घर के अंदर बैठना पड़ा तो यही एक सहारा है, ठीक है। दूसरा है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हमारा जो है चाइना से डीलिंग बिल्कुल बैन रहेगा, बैन नहीं रहेगा तो कुछ कुछ चालू रहेगा लेकिन काफ़ी हद तक बंद रहेगा। तो हम उसके लिए क्या करें, हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग 100% होती ही नहीं है, 90% चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती। तो हम अगर उसका प्लांट लगाएं, कुछ छोटे लेवल का भी लगाएंगे ना, तो वो प्लांट हमारा 100% चलेगा, मोनोपोली है। अगर मान लीजिए आपका कोई कंपटीटर भी खड़ा हो रहा है ना, तो उससे आपको फ़ायदा ही है कंपटीटर से। अगर इंडिया में आपका कंपटीटर खड़ा होता है तो उसके और सस्ते सोल्यूशन सोचेगा, तो आपकी कॉस्टिंग और बचाएगा। तो इसलिए अपना जैसे जैसे जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुलता है उससे बस उस टाइम पे अपना एक प्लांट लगाने की कोशिश कीजिए, कुछ भी, जैसे लीड हो गई, ईयरफोन, चार्जर, मोबाइल, कुछ भी, जैसे आपका बजट है उस हिसाब से अपना एक छोटा सा प्लांट जरूर स्टार्ट कीजिएगा। तीसरा, आपको लग रहा होगा कि 21 दिन हम घर में कैसे रहेंगे, हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं दालें, सोयाबीन की दाल लेके आइए, सोयाबीन की दाल से आपका खाना ही बनेगा, सब्जी भी बनेगी। इवन 5 रुपये की सोयाबीन से आपको 1 लीटर दूध मिलता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आप जाके देखोगे, उसमें 5 रुपये की दाल से 1 लीटर आपका पूरा दूध बनता है, उससे ज़्यादा बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, और वो दूध बिल्कुल सिक्योर है। अगर भैंस का भी दूध निकालता है ना कोई इंसान, तो अपने हाथों से निकालता है, तो सबसे पहले वहाँ गंदा हुआ, उसके बाद वो उबलने जाएगा, फैक्ट्री वालों ने हाथ लगाया,
उसके बाद वो पैक होके आया। अब ये आप सोयाबीन से अगर दूध बनाओगे तो पूरा 100% आपके हाथ से ही बना हुआ, तो सबसे ज़्यादा सिक्योर दूध है और उससे ज़्यादा सस्ता मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप थैलियों पे भी देखते होंगे वहाँ पर लिखा होता है सोया मिल्क, तो उससे बढ़िया 5 रुपये का अगर आपको 1 लीटर घर में मिल रहा है तो बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही क्या है। और सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं दाल से, अगर आप दालों को अगर आप अपने घर में सेव करके रखते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, दालों से बढ़िया चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि दाल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार रेगुलर बना सकते हैं और वो ख़राब नहीं होती लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था कि दाल ही सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, तो दाल से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह मैं और भी आपको प्रिकॉशंस और स्टेप्स बताता रहूँगा जैसे जैसे मेरे को फील होता है और जैसे जैसे मैं महसूस करता हूँ कि मेरे सामने क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बाकी वीडियोज़ का वेट कीजिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं लाइफ में। थैंक यू।